तो दोस्तों किसी भी बाइक या स्कूटर में जब आप चलाते हैं और उसकी जो फ्यूल की निडल है, जो फ्यूल की निडल जब रेड जोन में आती है यानी बिल्कुल लास्ट में जब आती है, तो हमें किसी को भी पता नहीं होता कि उसके अंदर कितना पेट्रोल है, और हमें टेंशन हो जाती है कि हमें पेट्रोल डलवाना ही डलवाना है, जाके तुरंत हम पेट्रोल टंकी की तरफ भागते हैं। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि इसके अंदर एग्जैक्ट इतना पेट्रोल है और इतना मैं इसमें चल सकता हूँ, तो आपको टेंशन नहीं होगी। इसी तरह की वीडियोस में बहुत सारी गाड़ियों में बना चुका हूँ कि आपकी जो फ्यूल की निडल है मीटर में, जब स्पीडोमीटर में, सॉरी फ्यूल मीटर में, जब निडल जो आपकी रेड जोन में जाती है यानी रेड मार्क की तरफ जाती है, तो उसमें कितना पेट्रोल बचा हुआ होता है प्रैक्टिकली, थियोरेटिकली नहीं। थियोरेटिकली तो कंपनी जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें किताब में लिखा हुआ होता है, किताब में बताया जाता है कि आपकी गाड़ी में रिजर्व में कितना पेट्रोल रहता है, लेकिन एग्जैक्ट कितना है नाप के मैं बताता हूँ आपको। बहुत सारी गाड़ियों में मैं कर चुका हूँ, जैसे एक्टिवा, शाइन, स्प्लेंडर, एक्टिवा 125, SV125, ऐसी बहुत सारी गाड़ियों पे मैं कर चुका हूँ, लेकिन आज जो करने वाला हूँ वो मैं करने वाला हूँ हीरो की HF डीलक्स BS4 मॉडल है ये। BS4 की अगर बात करें तो BS4 में 1.4 लीटर रिजर्व में रहता है जैसा कि कंपनी कहती है, और BS6 बाइक्स में ये 1 लीटर रहता है जैसा कि कंपनी कहती है। मेरे पास अभी BS4 बाइक है और मैं BS4 बाइक में आपको प्रैक्टिकली नाप के एग्जैक्टली दिखाऊंगा कि जब निडल आपकी रेड जोन में एंटर करती है तो आपकी गाड़ी में कितना पेट्रोल रहता है। तो दोस्तों ये जो वीडियो मैं काफी टाइम से बनाना चाह रहा था लेकिन किसी मसरूफियात की वजह से बना नहीं पाया, और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, उन्होंने बहुत डिमांड कर रहे थे काफी टाइम से कि आप HF डीलक्स की डीलक्स पे भी बनाइए कि इसमें कितना पेट्रोल रहता है, लेकिन मैं बना नहीं पाया था, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन फाइनली आज मैं BS4 पे बना रहा हूँ। ऐसे ही हमारे एक सब्सक्राइबर हैं संदीप कुमार, उन्होंने बहुत बार मुझे मैसेज किया और कमेंट में लिखा, तो आज मैं इसको फाइनली बना रहा हूँ। तो देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं कि इसमें कितना पेट्रोल रिजर्व में रहता है। तो दोस्तों ये मेजरमेंट करने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए, मैं इस बॉटल में इसके अंदर जितना भी पेट्रोल है वो सारा निकाल देता हूँ एक बार, उसके बाद फिर हम नाप नाप के लीटर से, जो मेजरिंग जग होता है, मेजरिंग जग से नाप नाप के इसमें डालेंगे। तो दोस्तों यहां से मैं निकाल लेता हूँ इसके अंदर से सारा पेट्रोल, जितना भी पेट्रोल है मैं निकाल देता हूँ यहाँ से। तो दोस्तों देखिए सारा पेट्रोल इसके अंदर से खत्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स मैंने सारा पेट्रोल इसके अंदर से निकाल दिया है, बिल्कुल टैंक को खाली कर दिया है। अभी हम डालेंगे सबसे पहले दोस्तों 1 लीटर में पेट्रोल डालूंगा इसमें, और ये मैंने बिल्कुल जो मेजरिंग जग होता है इससे मैंने नाप के रख लिया है, 1 लीटर पेट्रोल है इसके अंदर, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर 1000, ये 1000 ml का निशान है, और ये कैलिब्रेटेड किया हुआ जग है मेरा, नापा हुआ है मैंने, और लीटर से भी मैंने इसको कैलिब्रेट कर लिया, बिल्कुल सही नाप है इसकी, 1 लीटर पेट्रोल है ये। तो मैं इसको डालता हूं अब इसके अंदर। अब ये देखते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल डलने के बाद फ्यूल की निडल कहां पहुंचती है। मैं इसको करता हूं अब स्टार्ट। देखिए गाड़ी को कर दिया है स्टार्ट, और स्टार्ट करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए निडल ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, 1 लीटर पेट्रोल अभी इसमें गया है, और दोस्तों ये देखिए 1 लीटर पेट्रोल डलने के बाद जो रिजर्व इसमें, एक्चुअली रेड जोन में दो बार्स दिए हुए, एक बड़ा और एक छोटा, तो ये छोटा वाला जो बार है रेड वाला, इस पे आपकी निडल पहुंच चुकी है, ये आप देखिए 1 लीटर पेट्रोल में यहाँ पहुंची है, और अभी 1 लीटर पेट्रोल इसमें हम और डालेंगे और फिर देखते हैं कि ये कहाँ पहुंचती है। दोस्तों 1 लीटर में और इसमें डाल लेता हूँ, और अब देखेंगे कि 1 लीटर में, या ऐसा करें आधा लीटर डालें है या पूरा एक ही डालें, आधा डाल दे। आधा डाल के देखते हैं इसमें, और मैं ये आधा लीटर इसमें बचा लेता हूँ। और देखिए 500 ml यहाँ मैंने पेट्रोल है, ये 500 ml,
मैं ये 500 ml पेट्रोल डालता हूँ, फिर देखते हैं निडल कहाँ पहुँच। दोस्तों अब इसमें पहुंच गया है 1.5 लीटर पेट्रोल, अब देखते हैं 1.5 लीटर पेट्रोल में कहाँ तक पहुंचती है। और मैं गाड़ी को करता हूँ स्टार्ट और फिर देखते हैं कि क्या सिचुएशन आपके फ्यूल मीटर की रहती है। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं जो छोटा वाला बार था, इसमें जो छोटा वाला रेड निशान था, उससे 0.5 लीटर पेट्रोल डालने के बाद थोड़ा सा ऊपर बढ़ी है और बहुत ही थोड़ा सा बढ़ी है। मैं आपको दिखाता हूँ और थोड़ा सा क्लियर करके, ये देखिए ये जो सिचुएशन यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है 1.5 लीटर पेट्रोल में। इसमें 0.5 लीटर पेट्रोल अभी और डालेंगे, फिर इसमें हो जाएगा पूरा 2 लीटर और 2 लीटर में देखेंगे कि निडल कहाँ जाती है, क्या रेड जोन क्रॉस हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड्स अब आप ये देख पा रहे हैं इसमें 0.5 लीटर पेट्रोल मैंने और ले लिया है। 500 ml होने के बाद इसमें टोटल हो जाएगा 2 लीटर पेट्रोल और 2 लीटर पेट्रोल में फिर हम देखेंगे फ्यूल निडल कहाँ पर पहुंचती है। तो ये आप देख सकते हैं 2 लीटर होने के बाद थोड़ी सी निडल और ऊपर बढ़ी है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं पूरा क्लियर, ये 2 लीटर इसमें पेट्रोल जा चुका है और 2 लीटर पेट्रोल में रेड जोन में निडल अभी भी है, उसको क्रॉस नहीं किया है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी गाड़ी में 2 लीटर, अगर आपकी गाड़ी रेड जोन में एंटर कर रही है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अभी भी 2 लीटर पेट्रोल है और जो छोटा वाला बार था इसमें, जो सबसे लास्ट में छोटा बार है, वहां पर 1 लीटर पेट्रोल था और इसके बीच में यहां पर वो 1.5 लीटर पेट्रोल था। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि इसका फ्यूल कैलिब्रेशन कितना है, कैसा है। और देखिए बुक में, किताब में कंपनी की तरफ से क्या दिया है मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने जो प्रैक्टिकल किया है ये मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। तो दोस्तों आपने देखा और आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और काफ़ी मेहनत लगती है देखिए इस तरह की वीडियोस बनाने में। आपने ये देखा होगा कि मैंने किस तरह से बार बार पेट्रोल नाप नाप के इसके अंदर, पहले तो इसका टैंक पूरा खाली किया मैंने, टैंक खाली करने के बाद नाप नाप के मैंने पेट्रोल डाला और हर बार आपको कैलिब्रेट करके निडल दिखाई कि कितने पेट्रोल पे कहाँ जा रहा है। तो आपने अगर रिजल्ट की बात करें, कंक्लूजन की बात करें दोस्तों, तो 1 लीटर में यहाँ पर आपने देखा था जो सबसे पहला छोटा वाला रेड है, 1 लीटर में वो कवर हो गया था, फिर 0.5 लीटर में बीच में मिड में पहुंच गई थी और 2 लीटर में पूरा रेड जोन के ऊपर आ गई थी। यानी कि आपका जब बड़ा वाला रेड जोन, जहां से रेड जोन स्टार्ट होता है वहां से पे जब अगर निडल पहुंचती है, तो इसका मतलब 2 लीटर करीब करीब पेट्रोल इसके अंदर पूरी तरह से है। और अगर आपकी गाड़ी 60 या 70 का एवरेज देती है, 70 का एवरेज देती है तो 140 किलोमीटर के करीब आपकी गाड़ी और चलेगी। अगर 60 का एवरेज देती है, 60 का मैलेज देती है तो 120 किलोमीटर आपकी गाड़ी और चलेगी। तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, बड़े आराम से टेंशन फ्री होके आप इस गाड़ी पर चल सकते हैं, अगर आपकी निडल रिजर्व में भी है तो भी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाले इसी तरह के और भी वीडियोज आपको मिलते रहें। और अगर आपके पास कोई गाड़ी है, आप चाहते हैं कि उसका मैं इसी तरह से फ्यूल कैलिब्रेशन करूँ, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसको आगे आने वाली वीडियोस में आपको दिखाऊं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।